कृपयाक्ष्यमतामपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च मां देव पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाशल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं शिल भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनका हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। चर्चा कर रहे थे सत्संग की महत्व को लेकर। अगर हम साधना में आगे बढ़ना है, सत्संग बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका। साधु संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एक सज्जन भक्त ने कहा, अगर भक्ति रूपी दीप को हमेशा प्रज्वलित ही देखना चाहते हो तो दो काम करने होंगे, दुस्संग रूपी हवा से उसको बचाना होगा और सत्संग का घृत उसमें डालते रहना पड़ेगा। सत्संग का घी जब नहीं डालेंगे वो उड़ जाएगा। सत्संग का घी हमेशा देना होगा, जैसे अखंड जो जलाते हैं जैसे घी डालते रहते हैं, ऐसे सत्संग। ऐसा कोई समय नहीं है जहाँ पर कोई इस बात को कहे कि अब मुझे सत्संग की आवश्यकता है नहीं, मैंने इतना सत्संग कर लिया है अब मुझे सत्संग की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोलने का कोई किसी के लिए मौका ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। जो मुहूर्त में सत्संग समाप्त हो गया वही मुहूर्त में हमारे की भजन करने की जो वृत्तियाँ, भगवान को पाने की जो वृत्तियां, वो भी समाप्त हो गए। वो उसी समय वो भी समाप्त हो चुके हैं, उसके बाद वो और नहीं देखा जाता। इसलिए बोले सत्संग की महत्व को समझ लें। सत्संग नहीं करने वाला व्यक्ति के अंदर यही आता है, मैं सब कुछ जानता हूं और मुझे हर चीज की उपलब्धि है, इस तरह की जो भाव है जो कि अनर्थ सूचक है, कि मैं जानता हूं, ये भाव जो इसके अंदर आ जाता है वो वास्तविकता में कुछ नहीं जाना हुआ होता है। ये हर चीज इसके अंदर हर क्षण हर पल सीखने को ही है, एक शिक्षा प्रद है। सत्संग मतलब मार्गदर्शन। सत्संग एक ऐसी वो उस अवस्था में जाकर के भी होता है जहाँ पर हम लोग उन उन रसों के अंतर्गत उन उन दासों के साथ में रहकर उनके अनुगत में ही गोविंद की सेवा करते हैं, वो भी एक तरह से सत्संग ही तो है। जहाँ पर व्यक्ति किसी मंजरी के अनुगत में रहकर उनके निर्देश के अनुसार उनके उपदेश के अनुसार भगवान की सेवा कर रहा होता है, तो इसलिए सत्संग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी को लेकर के यहाँ पर बता रहे हैं।
सत्संग में मिलता यही है भगवान की सेवा करने की प्रेरणा, भगवान का नाम करने की प्रेरणा, भगवान को रिझाने और भगवान को प्रसन्न करने का सूत्र सत्संग में प्राप्त होता है। और सेवा के अंदर जो वैचित्रता है, विशेषताएं हैं, वो भी सत्संग में ही प्राप्त होते हैं। सत्संग हमें सेवा प्रतियोगिता सिखाता है कि किस तरीके से मैं अच्छा से अच्छा सेवा कर सकता हूँ, मैं भगवान को और अधिक कैसे रिझा सकता हूँ, कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, भगवान से किस प्रकार से प्रीतियुक्त होकर उस रस को पान कर सकता हूँ। ये सब कुछ हम लोगों को सत्संग में ही प्राप्त होता है। इसीलिए बोल रहे हैं भगवान की सत्संग की तरफ जाओ। उसी में प्रेम लाभ होता है, भगवत प्रेम लाभ होता है। सत्संग मतलब चर्चा, सताम प्रसंगा, सत्पुरुषों के साथ में जाकर संगति करना, मतलब उनके हृदय की बात को जानने का चेष्टा करना और उसके अनुरूप अपने जीवन को चलाने का लिए संकल्पबद्ध होना, यही सत्संग है। जैसे अभी श्री गुरुदेव स्थूल रूप से प्रकट नहीं है, हमारे गुरुवर्ग लोग स्थूल रूप से प्रकट नहीं हैं, लेकिन उनका वाणी, उनका भाव हमेशा वर्तमान है। इसलिए उनके भाव को समझते हुए, उनको भाव के उनके भावों को ग्रहण करते हुए, जब हम लोग उनके वाणी को अपने आचरण में लाने का प्रयास करेंगे तो हम लोग सत्संग में ही हैं। उसके बाद हम सत्संग में, हम कहीं दूर है नहीं। इसलिए बोल रहे हैं कि हमेशा भक्त के संग में रहना, हमेशा भक्तों के सान्निध्य में रहना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि काल्पनिक दुनिया में जाके रह लो। मैं जैसे सोचूं कि भक्तों के साथ रहना है इसलिए मैं रूप गोस्वामी के पास रहूँगा, सनातन गोस्वामी के पास रहूँगा, ऐसे हम लोग कल्पना ही कर ले, वो उपलब्धि के स्तर में जाके होता है, उपलब्धि के स्तर पे जाके होता है। लेकिन साधना के क्रम में जो सामने भगवान और गुरुदेव कृपा करके जिन संतों को हमारे आगे भेजा, बोले किसलिए बोलते हैं ना गुरुजी, एमोन दुर्मति संसार भीतरे पढ़िया या छीनवामी तवा निज जन कौन महाजने पठाइया दिले तुम। भेजा, पहले भी थे महाजन, थे, हमेशा हैं और रहेंगे हैं, लेकिन अभी मेरे पतितावस्था को देख के मेरे पास भेजा। और महाजन नहीं भी हो, चाहे कनिष्ठ हो, मध्यम हो, कोई भी हो, किसी भी श्रेणी का साधु हो, भगवान के तरफ हमें प्रेरणा देने वाला, भगवत सेवा की तरफ हमें उन्मुख करने वाला, भगवान की सेवा में रुचि पैदा कराने वाले जितने भी भक्त हैं वो तो साधु है। तो इसलिए वहाँ पर बतलाया कि उन लोगों के संगति में स्वयं को रखना है और उनके संग से, उनके कृपा से, उनकी प्रेरणा से हम लोगों को क्या मिलेगा, भजन करने में उत्साह मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, भजन के अंदर, भगवान की सेवा के अंदर छिपे हुए जो आनंद के रूपी रत्न हैं वो हम लोगों को मिलेगा। भगवान का दर्शन मिलेगा, उनका धाम मिलेगा, उनका सेवा मिलेगा। तो आगे यहाँ पर बतला रहे हैं जो हम कल श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत, जिस प्रकार अग्नि का आश्रय करने से शीत, भय और अंधकार तीनों नष्ट हो जाते हैं। हमने सुना ये कल बात को, वहाँ ठंडा नहीं रहता है, ठंड नहीं रहता है, फिर हमें ठंड को भगाने के लिए अलग से साधना करना नहीं पड़ता, चेष्टा नहीं करना पड़ता,
अगर हम लोग वहाँ पर आग को जलाया तो उसी से ठंड अपने आप भाग जाता है, ये विशेषता है। और क्या होता है, डर भी नहीं रहता है, डर हमेशा अंधकार में होता है, प्रकाश में डर होता नहीं, और अंधकार भी भाग जाएगा, वहाँ पर प्रकाश हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। ऐसी साधु संघ में जाने पर हमारे अंदर जो इस संसार के प्रति, एक संसार के कर्मों के प्रति एक जो जड़मयी वृत्ति बना हुआ है, क्योंकि हम स्वसुख वांछा की चेष्टा के लिए जो कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। बोलते हैं आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम। जब हम लोग ये सारे कर्म देह संबंधी करते हैं या इस देह को प्रयोजन देने वाले कार्य ही करते हैं, तो हमारे सारे कर्म जो है वो तो जड़मय ही कर्म हो गया, अप्राकृत कर्म तो हुआ ही नहीं है। अप्राकृत व्यक्तित्व के लिए निमित्त पे या उद्देश्य पे किए जाने वाले जो कर्म होते हैं वो ही वास्तविकता में अप्राकृत कर्म होते हैं, नहीं तो सब प्राकृत कर्म है, जड़ कर्म है। जैसे एक विद्या है, ऐसा नहीं है कि जड़ विद्या खराब है, विद्या तो विद्या है, लेकिन वो भगवान के विमुख विद्या होने के कारण उस विद्या का कोई वास्तविकता में उसको नकार दिया गया है। और यहाँ तक भी बता दिया, मोह जन्मी अनित्य संसारे जीव के कराए गधा। विद्या से मोह होता है, ध्वंस होता है, जहां पर अज्ञान ध्वंस हो जाता है वहां पर किसी वस्तु को लेकर के मोह क्या होगा, मोह भी ध्वंस हो जाता है, मोह तो अज्ञान के कारण। लेकिन यहां किस लिए बता रहे, क्योंकि वो जड़ विद्या है, जड़ विद्या है। विद्या क्या है, भगवत भक्ति, भगवत संबंधी ज्ञान, उसी को वास्तविकता में विद्या कहा गया। ऐसे यहां पर जब व्यक्ति कर्म करने लगता है, वो कर्म जब स्वसुख वांछा के उद्देश्य से होता है, अपने सुख, आपको सुख देने की इच्छा से होता है, तो वो काम हो जाता है। तो काम जहां पर है वहां पर जितने भी कर्म है वो अप्राकृत नहीं हो सकता, वो सब जड़मय ही होंगे। तो इसीलिए भक्तों के पास जाएंगे तो क्या होगा, साधु के सेवा में जाने से क्या होगा, उनके कृपा के संबल से, सहारा से हम लोगों के अंदर से ये भाव विनष्ट हो जाएगा कि जीवन अपने आप को सुख देने के लिए है, मेरा सारे यत्न, मेरे सारे जीवन केवल मुझे सुख देने के लिए हैं, ये जो भाव है जो कि बड़ा खराब है, वो साधु की कृपा से चला जाएगा। और फिर क्या भाव आएगा, भगवान की सेवा के लिए है ये जीवन, गोविंद की सेवा के लिए है, ये भाव हमारे अंदर प्राबल्य रूप को लेगा। तो भगवान की सेवा के लिए जब हम अपने आप को समझते हैं, हमारे सारे कर्म भगवान की सेवा से ही संबंधित हो जाते हैं। तो इसीलिए प्राकृत जगत में रहते हुए भी, क्योंकि उद्देश्य गोविंद होने के कारण, गोविंद के निमित्त पे किए जाने के कारण, वो सारे कारण की गणना, वो सारे कर्मों की गणना फिर प्राकृत रूप से लिया नहीं जाता है। कर्म तो अभी भी कर ही रहे हैं, रसोई बना रहे हैं, देखा जाए तो कर्म ही है। घर में रह के आदमी रसोई बनाते हैं, हम आश्रम में रह के बनाते, घर में रह के खाता है, हम भी यहाँ रह के खाते हैं, वो भी नहाता है, हम भी नहाते हैं, देखा जाए तो सब कुछ एक ही तरीका से चल रहा है। लेकिन यहाँ उद्देश्य जो है भगवान है, यहाँ उद्देश्य जो है भक्त है,
यहाँ उद्देश्य गुरुदेव है, जहाँ पर भगवान और भक्त उद्देश्य होकर के कर्म किया जाता है वो फिर जड़मयी कर्म नहीं होता है। यही विशेषता है, अल्पज्ञता के कारण, अनुभूति के अभाव के कारण जीव को वर्तमान स्थिति में, उसकी वर्तमान अवस्था में ऐसे अनुभव हो सकता है कि मैं तो जड़ कर्ममयी प्रवृत्त हूँ, लेकिन वास्तविकता में नहीं होता है। क्योंकि भगवान की सेवा किसी भी जड़ उस पे होता नहीं, जड़ी स्तर पे नहीं होता। भगवान की सेवा करने के लिए भगवान जिस भूमिका में है, जिस अवस्था में, जिस स्थान में है, उसी स्थान में, उसी भूमिका में जाके करना पड़ता है। इसीलिए वो जो कर्म है एक साधारण से साधक के दृष्टि में जड़मयी हो सकते हैं, क्योंकि उसका दर्शन नहीं है। लेकिन साधु संघ की कृपा से जब इस बात का अनुभव होगा कि मेरा जीवन गोविंद के लिए, उसके बाद वो जीव के द्वारा किए जाने वाले मनोमयी कार्य, वाक्यमयी, वाणीमयी कार्य और शरीरमयी कार्य जितने भी है, वो सब के अंदर का जो जड़ता है वो विनष्ट हो जाता है। वो कर्म करते करते उसको संसार से मोह नहीं, भगवान से अनुराग हो रहा है ना। भगवान की इंद्रिय तर्पण, वही कर्म की सार्थकता है। वो फिर कर्म नहीं रहता, वो सेवा हो जाता है। अगर व्यक्ति स्वसुख वांछा के उद्देश्य से करता है तो उसके अंदर दुराचार का भाव भी आता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने अपने कीर्तन में बोला, इंद्रिय तर्पण सार कोरी को तो दुराचार। जब सार इंद्रिय तर्पण हो जाता है तो उसके तमाम कार्य के अंदर वो दुराचार का जो भाव है वो वर्तमान हो जाता है। लेकिन जब हम गोविंद के शरण में जाते हैं, भगवान को उद्देश्य बनाकर, भगवान को ही लक्ष्य बनाकर, भगवत सेवा को ही मुख्य साधन बनाकर साधना करने लगते हैं, तब ये दुराचार का भाव नहीं रहता है, ये बंधन का भाव नहीं रहता है, वहाँ पर मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। ये विशेषता है। इसलिए बोल रहे हैं संसार का भय नहीं रहता। जब व्यक्ति के लिए ये संसार उसके लिए नश्वर सा प्रतीत हो गया है, अनुभव हो गया, फिर डर किस बात का? डर अभी इसीलिए है क्योंकि संसार का अस्तित्व दिखाई देता है ना। संसार है और मैं संसार का हूँ, ये भाव दिखता है। उस समय वो सब दिखता नहीं, उस समय सिर्फ गोविंद दिखाई देते, गोविंद का सेवा दिखाई देता है, गोविंद की प्रसन्नता दिखाई देता है। इसलिए बोले ये सब हमको सत्संग में मिल जाता है, साधु संग में मिल जाता है। और क्या बोलते हैं भागवत जी में, निमज्जो अन्मज्जताम घोरे भवाब्दो परमायनम संतो ब्रह्मविद शांत नो दृढ़े वाशु मज्जताम। और क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक अच्छा सा नौका, एक मजबूत नौका, वो क्या है, वो पानी में डूबते हुए लोगों का एकमात्र आश्रय और रक्षा होता है। रक्षा पाने का उपाय होता है वो। जैसे आदमी पानी में डूब गए, गिर गए पानी में डूब गए गिर गए, उनको बचाएगा कौन? उनको बचाने का कोई तो साधन होना चाहिए। तो बोलते हैं कि जो एक मजबूत जो नौका है, जय नौका है,
डंडा दे दिए पुलिस महाराज, आप आए काहे को है? तो फिर केस करो, हिलन सेवा कैसे महाराज, हिलन सेवा कैसे, हिलन की सेवा करनी पड़ती है ना। तो इसलिए एक मजबूत नौ का डामाडोल वाला नहीं, छोटा मोटा, इसलिए रेस्क्यू टीम जाता है तो बहुत अच्छा खासा लेके जाता है। और जो कमज़ोर नाव होते हैं उसमें लोग चढ़ने की चक्कर में उसको तोड़ के गेर भी देते हैं, अपने जान बचाने की चक्कर में पकड़ के। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, एक नौका जो है नदी में डूबता हुआ व्यक्ति, जल में डूबता हुआ व्यक्ति को बचाव के लिए जिस प्रकार से उपाय होता है, ठीक उसी प्रकार से इस संसार सागर के अंदर भगवान जीव अपने कर्मों के अनुरूप विभिन्न योनि में ऊपर नीचे हो रहा होता है। तरह तरह की योनियों में जाकर कभी किसी लोक में जाता है, कभी किसी लोक में जाता है, ऊपर से ये जो ब्रह्मांड के अंदर जो भाग रहा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया, ऐसे जो व्यक्ति हैं उस व्यक्ति का क्या बोल रहे हैं, जो विचरण करने वाले जो जितने भी जीव हैं उनके लिए भगवान के प्रति निष्ठायुक्त और शांत स्वभाव वाले जो साधु होता है वही उसका एकमात्र आश्रय होता है। ये जैसे नाव जो है वो उसका आकार और उसका उस पर निर्भर करता है, जैसे है ना, जैसे हल्का नाव होगा वो पानी में ऐसे 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 हिलता चला जाएगा, लेकिन जो नाव दृढ़ है, नाव मजबूत है, भारी है, वो पानी के अंदर स्थिर सा चल रहा होता है। जैसे मायापुर परिक्रमा में बड़ा वाला नाव होता है, आराम से आदमी खड़ा रहता है उसमें जैसे भी है, लेकिन छोटे छोटे जो नाव होते हैं वो ऐसे 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 हिलता है, डामाडोल होता होता है ऐसा। तो उसी प्रकार से एक साधु का जो दृढ़ता है, मजबूती है, वो क्या है, भगवान के प्रति उसकी निष्ठा और उससे उद्भूत जो शांत भाव है। शांत भाव मतलब कि जो शांत स्थिति में रहना, शांत अवस्था में रहना, प्रशांत मतलब चंचल विचलित अवस्था में नहीं होता है वो, फिर है ना, जो जैसे रेस्क्यू टीम आता है वो खुद ही घबराएगा, स्थिति को देख के पैनिक हो जाएगा, तो फिर जो गिरा हुआ आदमी है उसको वो नहीं बचा पाएगा। जो आदमी गिर गया है उसको देख के अगर डरता है, कुछ साल पहले 17-18 साल पहले हम लोग बरसाना गए पीली पोखर में, जो हमारा गुरु भाई है ना पद्मनाभ, वो पानी में चलते चलते गिर गया, नहाता नहीं, तड़प रहा है पानी में, ऐसे ऐसे चटपटा, लगा पानी गहरा नहीं है, लेकिन चल के उसमें गिर गया। उसको देख के अब लोग डर रहे हैं, हम सब डर रहे हैं, क्योंकि हम में से किसी को तैरना आता नहीं। वो जो हरीश है, हरिदास, जो चूना भट्टी का हमारा गुरु भाई, उसको तैरना आता है। वो आगे नहीं सोचा, पीछे नहीं सोचा, जेब में बटवा मोबाइल सब रख के ही कूद गया, लेकिन उसकी छटपटाता हुआ स्थिति को देखकर पानी में कूद के वो भी डर गया। उसको तैरना आता नहीं, इसको आता है, लेकिन वो जो भय होने के कारण, मन स्थिर ना होने के कारण, वो एक झट से वापस आ गया। फिर सिर्फ सामान भीगा है, हुआ कुछ नहीं है, फिर गांव के पद्मनाभ को बाहर खींचा। ऐसा नहीं कि तैरना आता नहीं, पागल नहीं है, तैरना नहीं आता तो कूदेगा नहीं, लेकिन स्थिरता नहीं है। उस समय उस स्थिति को देख के खुद ही भयभीत हो गया ऐसा। तो इसीलिए उसी प्रकार से
जो व्यक्ति जो साधु है वो अगर खुद चंचल होता है और भगवान में निष्ठायुक्त नहीं होता है, ये चंचलता केवल भगवान में जो निष्ठा, पूर्ण निष्ठा का अभाव के कारण ही आता है। कि भगवान जिसके जीवन में, जिसके हृदय में आ जाते हैं, या भगवान का कृपा जिसको अनुभूति में आता है, वो फिर चपलता रखता नहीं उसके अंदर, क्योंकि भगवान जहाँ पर है वहाँ पर ये सब चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं। उसके जीवन के अंदर एक ठहराव आता है, एक स्थिरता आता है, उसकी जो साधना में स्थिरता आता है, उसके जीवन में एक गंभीरता आता है, सब कुछ आता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो लोग कौन होते हैं? वो लोग ऐसे ही इस ब्रह्मांड के अंदर अपने कर्मों के प्रभाव से उच्च नीच लोकों में विचरण करते हुए जो भटक रहे हैं, जो लोग त्रास हो रहे हैं, उन लोगों के लिए वो संबल हो जाते हैं, सहारा हो जाते हैं, वो उनको उनको मदद करने के लिए वो ठीक व्यक्ति हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, साधु संघ है बोलकर मुंह उठा के अक्सर कोई भी साधु है जी हमारे लिए, इस तरीके का जो भाव होता है वो ठीक नहीं होता। साधु है लेकिन उसका एक अलग अलग श्रेणी होता है, एक स्तर होता है। कम से कम हम अगर साधु के स्तर के बारे में विचार करने की योग्यता तो हमें है ही नहीं। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि भगवान से एक प्रार्थना तो होनी चाहिए कि हे नाथ, ऐसे साधु का मेरे जीवन में प्रवेश हो जिसके कृपा से मैं, ये नहीं बोलना कि वो साधु खुद स्थिर रहे, ये रहे वो रहे, बोलना ये होता है कि मेरे जीवन में लाभ हो। तो भगवान इस तरह का साधु जो कि भगवान में निष्ठ है, उसकी अनन्य निष्ठा भगवान के चरणों में होगा, उसका समर्पण गोविंद के चरणों में, ऐसे जो साधु है उसको हमारे जीवन में भेज देते हैं, जिनके कृपा से, जिनके अनुग्रह से हम लोगों का इस संसार से अंदर डूबती हुई जो अवस्था उसमें से किनारा लग जाता है। इसलिए वो जरूरी है। भगवान के बारे में तो किताबों में भी है, कई जगह पे है, लेकिन साधु संघ में जब हम लोग भगवान के बारे में समझने का कोशिश करेंगे, अपने आप के बारे में समझने का कोशिश करेंगे, तो हमें लाभ होने वाला है। नहीं है तो और लोगों की तरह हम भी यही धारणा लेके चलेंगे कि हम हिंदू हैं इसीलिए जो है भजन करना है, सेवा करना, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, पंडित हैं इसीलिए कर रहे हैं। वास्तविकता में नहीं, हम सब भगवान के दास हैं। स्वयं को भगवान का दास के रूप में देखना, अनुभव करना, और कृष्ण के उपस्थिति हर जीव के अंदर देखते हुए कृष्णमयी जगत देखना, सर्वत्र गोविंद का अवस्थान का दर्शन करना, ये सारे जितने भी भाव है ये सब सत्संग में ही आता है, साधु संग में आता है। तुलायाम ना स्वर्गे ना पुनर्भवाम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशितो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? भगवत प्रेमी भक्तों के लवमात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। ये विशेषता है भगवत प्रेमी, ये विशेष करके इस बात को बोल रहे हैं। इसलिए बोले जो साधु कर्म ज्ञान योग इत्यादि का शिक्षा देता है साधु है, ऐसा नहीं कि साधु नहीं, लेकिन हमें कौन है जिसके संग से हमें लाभ होगा, वो यहाँ मतलब बता रहे हैं कि भगवत प्रेमी है। इस चीज को ऊपर विशेष रूप से जोर दिया,
उपनिषद भी इसी बात को बोलते हैं, ब्रह्मनिष्ठ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रह्मनिष्ठ होना बहुत ज़रूरी है। संडमर कैसा नहीं है कि जोकर थे, संडमर्क जो है बहुत बड़े आचार्य हैं, ऐसा इसीलिए हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को उनके पास रखा, वो लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। लेकिन जैसे शिखंडी है, लोग शिखंडी को तो सिर्फ एक नपुंसक है उस रूप से देखते हैं, लेकिन संजय कह रहे हैं शिखंडी कौन है, शिखंडी च महारथ, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, महारथ ही है, इतना बड़ा योद्धा है शिखंडी। ऐसे ही ये लोग जितने भी हैं शुक्राचार्य के पुत्र संडमर्क, ये लोग भी परम ज्ञानी हैं, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ ना होने के कारण वो लोगों का संग को स्वीकार नहीं किया गया। ज्ञान से हमें भगवान नहीं मिलते, ज्ञान से हमारा जीवन किनारा नहीं लगता है, ज्ञान से हमें शांति नहीं मिलता है, ज्ञान से हम लोग सुखी नहीं हो सकते। हम लोग अगर आनंद प्राप्त कर सकते हैं वो केवल भगवान के प्रति निष्ठा होने से, वो जो भगवान के प्रति निष्ठा का जो उपज है वो सत्संग में ही मिलता है, साधु संग में मिलता है। वो चाहे वाणी के माध्यम से, वो चाहे क्रिया के माध्यम से, वपु के माध्यम से, वो चाहे अपने भावों के माध्यम से, किसी भी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर उसका प्रभाव अपने आप ही आ जाता है। ऐसे ऐसे स्पर्श कर रहे हैं गुरु महाराज जी, फिर उसके बाद परम गुरु जी के शैया को स्पर्श कर रहे हैं, वहाँ पर गुरु जी तो मुख से कुछ बोल भी नहीं रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं देखा जाए तो, लेकिन उनके जो हृदय के अंदर का जो एक विरह है वो वहाँ पर उनकी उस क्रिया के माध्यम से, जब जगत के आगे दर्शन हो रहा है उसी को देख के कई पत्थर दिल वाले के आंखों में भी पानी आ जाता है, वो शिक्षा दे रहे हैं अपने आचरण के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं कि देखो दर्शन नहीं है तो हम सुनते हैं परमहंस बोल के होते हैं, बोल के हम सुनते हैं अवधूत होते हैं, हम सुनते हैं पता कैसे चलता। ऐसे उत्कृष्ट आचार्यगण अपने उत्तम आचरण के माध्यम से उस पद को, उस शब्द को साकार रूप देकर दुनिया के आगे प्रकाशित करते कि देख लो ऐसा होता है, ये बात है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी समझने वाले, ऐसे जो भगवत प्रेमी भक्तों का लवमात्र संग, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा अगर संग किसी ने कर लिया, फिर क्या बोलते हैं उसकी तुलना स्वर्ग और मोक्ष आदि की तुलना किया नहीं जा सकता। साधु का कृपा प्राप्त जीव, जैसे अभी देखो लंकिणी है, एक असुर बन के बैठी हुई है वहाँ पर लंका में, लेकिन हनुमान जी महाराज का जब कृपा हुआ वो भी यही बात बोल रही है, स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय कंक, स्वर्ग का सुख, अपवर्ग का सुख, मोक्ष इत्यादि का जितना भी जो सुख है वो सब तुला के तराजू के एक तरफ में अगर रख देते हैं, तुल्यनता ही सकले मिली जो सुख लब सत्संग, थोड़े से क्षण भर का जो साधु संग का जो फल है उसकी तुलना में भी वो नगण्य है, उसका कोई गणना है ही नहीं। ये किसको समझाता है, जब व्यक्ति को सत्संग हुआ है, जब जीवन में सत्संग हुआ, भगवत प्रेमी जनों का संग प्राप्त हुआ है, भगवत प्रेमी जनों का संग उसने जब ग्रहण किया है, इसलिए साधु की शिक्षा सिर्फ वाणी के माध्यम से ही नहीं होता है,
उनके वाक्यों के माध्यम से भी होता है और उनके मन के माध्यम से भी होता है, उनका कृपा संचार होता है, सब कुछ होता है। हर स्थिति में उनके वाणी के अंदर भी, जैसे श्रील गुरु महाराज जी देहरादून में जब हरिनाम दे रहे थे 2011 में, तुम था 2011 में जब गुरु जी हरिनाम दे रहे थे देहरादून मठ में, हाँ, और उस समय गुरु जी ऊपर हॉल में देहरादून मठ के हॉल में हरिनाम दे रहे, कम से कम 101 व्यक्ति है, उसका वीडियो भी है। और नीचे वो ऐसा हॉल है कि साइड से आदमी देख नहीं सकता कुछ भी, क्योंकि नीचे की में तो कुछ है ही नहीं, पीछे की तरफ दीवार है, सामने से जो अंदर घुस के जो देख सकते हैं उतने ही देख सकते हैं। पूरा इतने लोग हरिनाम वाले लोग, माला, सेवक, सबसे जो है कमरों में से आगे जो जहां है वहां पे स्तब्ध सा हो गया था माहौल। कई लोग रोए उस दिन, कई लोग रोए आवाज सुन के। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो शब्द वैकुंठ जगत का शब्द है, गुरुजी ने स्वयं कहा था ये तो वैकुंठ जगत का तो शब्द है, एक संदर्भ में, उस दिन नहीं किसी और संदर्भ में। इसलिए गुरुदेव का मुख से निकला हुआ वाणी वैकुंठ जगत का शब्द है, उसमें भगवान का प्रेम समाविष्ट है, सिर्फ नाम नहीं है। इसीलिए ऐसे शब्दों के संचार में जो जीव आता है वो सब परम सौभाग्यशाली है, जिनके कर्ण कोरों में वो अमृतमयी नाम भगवान का प्रवेश किया है। अब जो लाभ नहीं ले पाता वो उसका दुर्भाग्य है, वो अलग बात है, लेकिन वो जो भगवत प्रेममयी जो संग है, वो भगवत आचार्य का जो संग है वो इतना प्रभावशाली है, सब कुछ उसके सामने नगण्य कर देता है, एक ही बार में सब नगण्य कर देता है। बोलते हैं जहाँ पर स्वर्ग और मोक्ष आदि जो वांछाएं हैं वही नगण्य होते हैं, तो बोलते हैं इस संसार के तुच्छ भोगों का तो कहना ही क्या है, स्वर्ग से बढ़कर क्या है, मोक्ष से बढ़कर के क्या है। वो बोलते वही उस भगवत प्रेमी भक्तों के संग में तो नगण्य हो जाते हैं, उनका कोई मूल्य होता ही नहीं। बोलते चिंता कीजिए फिर एक तुच्छ संसार का भोग की गणना कहाँ पे आ सकता है, बोलते कहीं उसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता, इतना प्रभावशाली है साधु संग और साधु कृपा। उसी के विषय में यहाँ पर बतला रहे हैं, आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्ण।